हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पीरोस टॉप 5 के एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी टीम्स जो BMPS जीत सकती है, जिनके पास चांसेस हैं। चलते हैं नंबर 5 के पास। दैट टीम इज गोइंग टू बी लाखों के प्लेयर्स, करोड़ों की बातें और गेम प्ले बहुत शानदार खिलाते। रेकनिंग ने हार नहीं मानी, रेकनिंग के नेट से खतरनाक हंटर, ये लाखों का खिलाड़ी एंड ही इज प्रूविंग हिज वर्थ। ये मैं बात कर रहा हूँ रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के। इट्स अ टॉप टीम जिसने अभी तक BMPS के अंदर धुआंधार प्रदर्शन किया है। देखो अमूमन हम बात करते हैं हंटर्स की, वाइपर की, डायनोसिस भी यहाँ पे अच्छा खेल रहा है, इमॉर्टल वहाँ पे उस टीम के अंदर एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी बना रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब तुम मुझसे पूछते हो ना कि इस टीम का सबसे शानदार, जानदार, मजेदार और बेहतरीन प्लेयर कौन सा है, मेरे मन में ख्याल आता है ग्रेविटी का। बिकॉज उस आईजल ने ना प्रूव की है अपनी वर्थ। और ना हो बहुत सारे ऐसे आईजल्स हैं जो बैक टू बैक ऑफिशियल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ग्रेविटी बॉय ओ बॉय, इस प्लेयर ने कुछ तूफान लाया है, कुछ रेवोल्यूशन लेके आया है। बैक टू बैक ऑफिशियल्स क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, डोमिनेट भी किया। रेकनिंग एक ऐसी टीम है जो अपने अग्रेशन के लिए जानी जाती है, मजा आएगा देखने में। वाइपर फॉर्म में है, पिछली बार जब लैन था BGIS 2024 का, पहले दिन में भाई के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके बाद भाई ने जो सेकेंड डे और थर्ड डे में तूफान मचाया है, ये दर्शाता है कि रेकनिंग तैयार है लैन इवेंट्स के लिए, और इस बार रेकनिंग जीत भी सकती है। तो लेट्स सी, चलिए अगली टीम पे चलते हैं। द नेक्स्ट टीम इज guess, it is going to be a team जिसके आईजल को अपना साम्राज्य स्थापित करना है। Of course, मैं सोमराज की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ वर्सटाइल की। इधर BSG के एक्वानॉक्स यहाँ पे आए, गाड़ी चलाने की कोशिश थी, बट स्पीड गाड़ी में ज्यादा थी नहीं, बट फ्रैंकलिन, इस प्लेयर से बचना पड़ेगा। फ्रैंकलिन ऑलरेडी फ्लैग्स कुछ हद तक निकाले हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, मौका उनको मिला नहीं, आगे गए, बट एक्वानॉक्स He is a top player और VXT मिराबार एक कमबैक तो देखिए इनका। I think सोमराज VXT, it's a जोड़ी जो शायद ऊपर बन के आई है, because बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है पहला BGIS 2021 जहाँ पे सोमराज Skylarts Gaming द फर्स्ट ऑफिशियल चैंपियंस, भले ही इंटरनेशनल जाने का मौका उनको नहीं मिला था तब, लेकिन फिर भी इस बार भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी दे आर रेडी, एंड मुझे लगता है कि इट्स अ टीम जो जरूर बहुत बेहतर कर सकती है इस बार भी। चलो अगली टीम की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टीम इज गोइंग टू बी OJ। देखो यार, एक ना कर्स्ड की बात कर रहे थे हम कास्टिंग में, ऐसे बारिश गिर रही है, काले बादल, कर्स्ड, एंड आरू नामक छतरी ने जो सारा दिया है Orangutan को, that is amazing. And सिर्फ आरू नहीं, अगर आप बात करें तो Wizgod, he has been phenomenal. Top players की जो list है हमारे IQ MVP contenders की, उसमें भी उसका नाम है। OG की तरफ से सबसे ज़्यादा flags निकाले हैं, he has been a player जो हार नहीं मानने वाला। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, OG ने हमेशा LAN events में अच्छा किया है, वो अलग बात है कभी ऑफिशियल लैन पहुंचे नहीं थे, बट इस बार वो पहुंचे हैं, और इस बार वो जीतने के हकदार हैं। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, कई कई मैचेस में चोक भी उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी डोमिनेशन दिखाई है। प्रोबेबिलिटी है कि इस बार OG नंबर 1 के लिए जाए और जीत के आए। चलो अगली टीम की बात करते हैं। द नेक्स्ट टीम इज गोइंग टू बी दिल से खाट लाइक। इतना मुश्किल गेम, इतना अमेजिंग टूर्नामेंट, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इतिहास बदलने के लिए तैयार ये टीम। यू नो गॉडलाइक एक ऐसी टीम है ना जिसके ऊपर सबने सवाल उठाए थे कि भाई ये टीम तो क्वालिफाई शायद ना ही हो, बट इस बार टीम में बदलाव था, और टीम में बदलाव के साथ वो बदलाव गेम प्ले में भी देखने को मिला। बिकॉज पंक की कप्तानी में इस टीम ने कुछ ऐसी हरकतें करी है ना जो शायद पहले कभी किसी गॉडलाइक की टीम ने नहीं करी थी। सबसे जरूरी मैच में जब चाहिए था उनको चिकन, वो लेके गए हैं चिकन, एंड हे यू गो, ऐसे करते हैं कमबैक। पंक का जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे लगता है कि इस टीम को बहुत आगे तक लेके जाएगा। और लैन इवेंट में हम सब जानते हैं दीस प्लेयर्स के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। एडमिनो हर रे हमेशा हर एक लैन में उसने बहुत तगड़ा खेला है। जोनाथन OG प्लेयर है, एंड यार जोनाथन की हम बात कर रहे हैं तो ही हैज बीन फिनोमिनल टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज पहले हम बात करते थे जोनाथन वर्सेस काउट, या फिर जोनाथन वर्सेस मॉर्टल, फिर समय बल्ला, नए प्लेयर्स आए, देन इट वाज जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन, देन समय बल्ला, नए प्लेयर्स आए, देन इट वाज जोनाथन वर्सेस निंजा जॉर्ड, द गाय स्टिल देयर, एंड IQ MVP लिस्ट में भाई अभी भी है, तो भाई MVP बन सकता है। इट्स फिनोमिनल, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी आज तक भारत के इतिहास में किसी प्लेयर ने ना दिखाई है, ना मुझे लगता है कोई दिखाएगा। तो जॉनी OP, लेट्स सी क्या करता है वो BMPS के फाइनल्स में, बट उसके साथ एडविनो OP के लिए हमारे IQ MVP कंटेंडर में सबसे वन अव्वल नंबर वन नंबर वन नंबर वन प्लेयर, एंड एडविनो छाएगा इस बार, तो छाएगा।
चांसेस हैं कि वो एमवीपी बन के जाए, बट साथ ही साथ सिंप है आपको वहां देखने को मिलते हैं। सिंप इज लाइक वो आखिरी पजल का पीस होता है ना जो एक टीम को साथ में रखता है। सिंप ने कुछ वैसा ही कार्य करके दिखाया है यहाँ पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार गॉडलाइक को देखने के लिए। लैनमेंट पे मजा जरूर आएगा एंड आई थिंक दे कैन विन दिस वन अगर वो अपनी बेस्ट प्ले स्टाइल दिखा पाए कोची में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नंबर वन टीम इन इंडिया राइट नाउ, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपार्क। कैन यू फील द स्पार्क एज वेल दोस्तों, बिकॉज वी ऑल कैन। टीम एक्सपार्क जताते हुए दर्शाते हुए क्यों वो BGIS 2024 के चैंपियंस हैं, और उसी तरह से वो खेल भी रहे हैं। बोनस स्क्वाड के एक और प्लेयर कोटर को भी खत्म किया, सालन का स्प्रे आया और प्लेयर्स को डाउन किया। कैन यू फील द स्पार्क राइट नाउ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लॉबी से, और इसका जवाब अभी के लिए तो हाँ ही है। जिस तरह से उन्होंने खेला था BGIS 2024 में कुछ वैसा ही खेल रहे हैं। इवन दो उनके पास निंजा जॉर्ड नहीं है, बट उनके पास जोकर है जो स्माइल का कारण बन रहा है उस टीम के लिए। एंड आई फील यार कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा निंजा जॉर्ड के जाने से इस टीम को। शैडो इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट IGLs इन इंडिया, इफ नॉट द बेस्ट, प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, टेकिंग द टीम फॉरवर्ड, बट इतना काफी नहीं है यार। एक बार और ट्रॉफी उठाने का सपना जरूर है, उसके बाद फिर से सारंग आएंगे और सारंग कहेंगे रेस्पेक्ट माय टीम, रेस्पेक्ट देम। मतलब स्प्रे गॉड इस बार MVP बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार पहले भी याद दिला दूं, शोडाउन नामक एक ऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ था, 3 दिन का लैन था, स्प्रे गॉड ने वहां पे बहुत मारा था। इट्स एक्सपार्क टाइम, हैदराबाद में जीत चुके हैं, कोची की बारी है। क्या लगता है यादव, क्या एक्सपार्क फिर से धोएगा? बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, इट्स गोना बी अमेजिंग। एक्सपार्क वर्सेस गॉडलाइक वर्सेस ओरंगुटान वर्सेस रेकनिंग वर्सेस VXT एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स, कोई भी जीत सकता है सच बताऊं तो। ये थी हमारी टॉप 5 वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस बार, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गो।